विजयदशमी के मौके पर फ्रांस ने भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान सौंपा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पहले राफेल को लेने खुद फ्रांस पहुंचे। इस दौरान लड़ाकू विमान को हासिल कर राजनाथ सिंह ने इसकी शस्त्र पूजा की और उसके बाद खरीदे गए लड़ाकू विमान राफेल पर ओम भी लिखा। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी मंत्री हरकत में आ गए और अच्छी हरकतें करने लगे। आपको बता दें कि फवाद चौधरी ने, जो पाकिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने राजनाथ सिंह की राफेल पूजा का मजाक बनाया था, लेकिन अब इमरान के मंत्री की उसी के घर में फजीहत हो गई है क्योंकि पाक सेना ने ही फवाद चौधरी की हेकड़ी उतार दी। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना और सरकार के बीच तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ बाजवा व्यापारियों के साथ बैठ के करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं सेना प्रवक्ता आसिफ गफूर ने भी राजनाथ सिंह की राफेल पूजा पर साथ देकर ये बता दिया कि हम सरकार के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार के खिलाफ हर रोज एक नए एजेंडे को चलाने वाली पाकिस्तानी सेना ने राफेल की शस्त्र पूजा पर राजनाथ सिंह का बचाव किया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने राजनाथ सिंह का बचाव करते हुए कहा कि राफेल पूजा में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि ये धर्म के अनुसार है। कृपया याद रखें, ये अकेली मशीन नहीं जो मायने रखती है। असल में उस मशीन को संभालने वाले व्यक्ति की क्षमता, जुनून और संकल्प मायने रखता है। हमें हमारी पाकिस्तानी आर्मी की शाहीन पर गर्व है। पाकिस्तान की तरफ से बयान उस वक्त आया है जब दोनों मुल्कों के बीच तनाव अपने चरम सीमा पर है। लेकिन आसिफ गफूर ने ये ट्वीट कर ये बता दिया कि फवाद चौधरी गलत थे और पाक सेना ने ही फवाद चौधरी की फजीहत कर दी। इस खबर पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।